हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आज एक बीज के इस्तेमाल के बारे में बात करने वाली हूँ। कई लोग डरते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर इन बीजों को खा लिया तो गर्भ खराब हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि खाया जा सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसको कितना खाना चाहिए और खाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर तरीका गलत इस्तेमाल किया तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। पर फायदों को देखते हुए मैं आपको कहूंगी कि आपको इन बीजों को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बीज हैं अजवाइन, टैरम सीड्स। ये बहुत ही फायदेमंद होता है प्रेगनेंसी में, कई तरह से फायदे मिलते हैं प्रेगनेंसी में। तो आइए हम एक नजर डालते हैं इसके फायदे के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, हम समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि इस्तेमाल के तरीके पर डिपेंड करेगा कि ये अपना असर गर्म करेगा या फिर ठंडा करेगा। आपको किस तरह का फायदा लेना है वो तरीका हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसी बीच आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट महिला को गैस बनने की प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की बढ़ोतरी से आपका पाचन जो है, जो प्रक्रिया है खाना पचने की, बड़ी धीमी हो जाती है। मसल्स बड़ी रिलैक्स होती हैं, तो बहुत फास्ट नहीं होता डाइजेशन। ऐसे में कई बार आप भारी खाना खा लेते हैं तो गैस बनती है। तो अगर आपको गैस बनती है या फिर आपको अपच हो गई है या फिर आपको कब्ज रह गई है, तो अजवाइन आपके लिए बहुत अच्छा है। कई महिलाओं को देखा गया है कि प्रेगनेंसी में उनको भूख ही नहीं लगती, तो घरेलू एक तरीका है कि उनको अजवाइन का पानी दिया जाए, जिससे कि उनकी भूख अच्छी होगी। क्योंकि अजवाइन में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पेट को एकदम अच्छा बना देते हैं, आपकी भूख को ठीक कर देते हैं। कई बार प्रेगनेंसी में पानी पीने में कमी रह जाती है, क्योंकि पानी की आवश्यकता बढ़ती है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, बच्चा भी पानी के अंदर ही फ्लोट कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड में है, तो महिला को पानी ज्यादा चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से हो सकता है, आप आउटिंग पे हो या फिर काम भी व्यस्त, पानी नहीं पी पाए, तो ऐसे में ज्यादा समय तक अगर आपकी पानी की कमी हुई तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होने का डर रहता है, पेशाब में जलन आ सकती है, या फिर किडनी प्रॉब्लम्स जिनको है प्रेगनेंसी में भी, उनके लिए अजवाइन एक वरदान है। प्रेगनेंसी में अगर आपको कोल्ड एंड कफ होता है, तो ऐसे में कोई भी मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी इन्फेक्शन आपको होता है, तो एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती और लेना भी नहीं चाहिए बहुत जल्दी। तो ऐसे में आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए अजवाइन से अच्छी चीज कोई भी नहीं है। कई महिलाओं का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अगर जिनको पहले से थोड़ा मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम रहा है, थायराइड पीसीओएस रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। अब हम समझेंगे कि अजवाइन का प्रयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स, खाने में हम कई डिशेस बनाते हैं, अजवाइन के पराठे तो लगभग सभी ने बचपन से ही खाए होंगे, तो अजवाइन को पराठे में भी खा सकती हैं, अजवाइन की अदरक की चाय पी सकती हैं, ये मॉर्निंग सिकनेस में आपको हेल्प करता है। लेकिन हमेशा याद रखें, एक या दो चुटकी भर अजवाइन का ही इस्तेमाल करना है। जो भी इसकी डोजेस समझी गई है वो ये है कि अगर आप इसको हाई अमाउंट में यूज करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हीट होता है ऑलरेडी बॉडी में, और ये भी गर्म करेगा अगर ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो, और गर्म तरीके से लेंगे तो। तो आप इसको चाय बनाते तो चुटकी भर अजवाइन का इस्तेमाल करें। ज्यादा अजवाइन आपको नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में, तो जिंजर और अजवाइन की टी आप ले सकते हैं अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, या फिर आपको मॉर्निंग सिकनेस वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है। अगर आपका पाचन ठीक नहीं है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा अजवाइन, एक चौथाई अजवाइन आप पानी में भिगो दें रात को। अगर मिट्टी का बर्तन आप ले पाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, अगर नहीं तो स्टील या कांच के बर्तन में भी आप एक ग्लास पानी में अजवाइन को भिगो दें, सुबह उस पानी को आप पी लीजिए। इससे अजवाइन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, जो गैस की प्रॉब्लम है वो झटपट ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा, जो इनडाइजेशन हो रहा है। सपोज कभी आपने कुछ हैवी खा लिया और अपच की प्रॉब्लम हुई, तो थोड़ा हल्का खाना खाएं, खिचड़ी दलिया खाएं, लेकिन खाली पेट जब आप हों तो आप अजवाइन का पानी पी लें, उससे आपका डाइजेशन बहुत जल्दी ठीक होगा और उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रेगनेंसी में अगर अजवाइन के इस्तेमाल की आवश्यकता है तो कीजिए, लेकिन मात्रा का केवल ध्यान रखना है आपको। अगर आपको इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम खांसी, तो तवे को गर्म करके, लोहे का जो तवा है उसको आप गर्म करें, गर्म तवा होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, जिससे कि जल जाए अजवाइन, और उस पर आधा चम्मच अजवाइन डालकर उसका स्टीम, उसका जो स्मोक आता है
ले सकते हैं आप, तो उससे आपका नेजल पैसेज जो है बड़ा क्लियर हो जाता है, इन्फेक्शन में बहुत आराम मिलता है, कंजेशन दूर होता है, एलर्जी की जिसको प्रॉब्लम है सीजनल, तो जैसे ही पोलन बढ़ती है उनको एलर्जी आती है, तो ऐसे में आप अजवाइन का स्मोक ले सकते हैं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अजवाइन काला हो जाए उसके बाद हटा दे, वो धुआं आप ना ले, उसमें पॉलिटेंट्स होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अजवाइन इस्तेमाल करने का तरीका आपने जाना और आपको ये कई फायदे देने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।